नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल, योगा मास्टर हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पे बातें करते हैं। कुदरत के जो कानून है प्राकृतिक आहार के, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए मैंने ये प्राकृतिक आहार को योगाहार नाम दिया है। आहार का इंजीनियरिंग जो है, तो कुदरत ने शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं। उसमें शाकाहारी प्राणी के लिए खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं और मांसाहारी प्राणी को खाने पीने के और खुराक की क्वालिटी अलग होती है। तो हम शाकाहारी के हिसाब से कुदरत के जो नियम है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का खुराक सही और सावधानी, ये तीन बातें मेन मुद्दे हैं और ये तीन जो टॉपिक है उसके ऊपर ये पूरा चार्ट है, जिसमें आपके शरीर की सफाई, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, आपके खून और आपके ऑर्गेन, ये चार जगह आपकी बॉडी क्लींजिंग रहनी चाहिए। आपके शरीर को सही खुराक देने का तरीका होना चाहिए। चबा चबा के रस करके देना पड़ेगा। जो खुराक चबा के खाओगे वो अच्छे तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं, बीमारी आएगी नहीं। अच्छा, जो खुराक खा रहे हो उसमें क्वालिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। शरीर को ताकत के लिए मजदूरी करनी है, शरीर के पास तो शक्ति वाला खुराक चाहिए। शरीर को मेंटेनेंस के लिए रिपेयरिंग वाला, न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए और शरीर को न्यूट्रिशन को ठिकाने करने वाले कारीगर यानी कि कामदार भी चाहिए। तो जो कामदार है उसको हम हीमोग्लोबिन को मानते हैं और हीमोग्लोबिन कुदरत के जो व्यवस्था है उसके हिसाब से देखे तो पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है वही शरीर में जाके हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है और वही हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस रखने का काम करता है। तो आपको खुराक में क्लोरोफिल भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, ताकत वाला खुराक भी चाहिए। स्वाद खाओगे तो उसमें भी अपने अपने काम करेंगे। मीठी चीज खाओगे तो ताकत देगी, खट्टी खाओगे तो सफाई करेगी, तीखी खाओगे तो मुंह में पानी लाएगी, कड़वी खाओगे तो वायरस को मारेगी। तो ये स्वाद भी अपने काम करते हैं, जरूरत के हिसाब से आपको स्वाद को चूज करना पड़ेगा। शरीर की सफाई में आपको बड़ी आंत के लिए एनिमा का प्रयोग करना पड़ेगा। छोटी आंत की सफाई के लिए हफ्ते में 2 बार मलशुद्धि या तो त्रिफला लिया करो हर रोज। आपकी खून की सफाई के लिए हर रोज योगा, एक्सरसाइज या जिम किया करो, या तो मजदूरी करो, या नहीं कर सकते हो तो एक टाइम फास्टिंग करो। उपवास करोगे तो सफाई अपने आप हो जाएगी। आपके ऑर्गेन और खून की सफाई इतनी ही जरूरी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए पूरा चार्ट है। जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो हमारी YouTube चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है। उसके अंदर जो पूरे कोर्स के वीडियो है वो सारे एक एक करके देख ले। अभी चैत्र मास चालू हो चुका है तो चैत्र महीने के समय पे हमने ये हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू की थी। तो हम यहाँ हर रोज अपनी जो पिछली साल चैत्र मास में जो हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू हुई थी तो उसके वीडियो हमारे ग्रुप में हम रखते हैं। यानी कि पिछले जो 200 वीडियो थे वो हमने गुजराती में बनाए थे, तो वो गुजराती में है और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट रहोगे तो आपको हर रोज उसकी भी लिंक मिलती रहेगी। तो चैत्र मास में हमारी जो नवरात्रि है वो नवरात्रि के टाइम पे हमने शुरू में पूरा कोर्स समझाया था। तो ये हर रोज आरोग्य जीवन यात्रा के नए एपिसोड भी आएंगे और पुराने जो हमारे 1 साल पहले के हैं वो भी आपको एक एक हर रोज मिलते रहेंगे। तो आपको दो दो वीडियोज हर रोज मिलेंगे, टाइम निकाल के उसको भी देखने का प्रयत्न कर लेना। आपको वीडियोज की लिंक मिलती रहे इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए। हमने गुजरात के हर जिले की और गुजरात के बाहर के स्टेट के लिए भी हमने एक नई व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है और एब्रोड की भी है। तो आप अपने हिसाब के इलाके के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट रहिए तो आपको ये वीडियोस की लिंक मिलती रहेगी। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज एनडीएस व्यवहार में प्रश्न है, एनडीएस में भाई लिख रहे कि नमस्ते सर, एनडीएस करना रहने एनडीएस ना करना रहे लीमड़ानो मोर केवी रीते ने कया समय लेवो जोईए, मार्गदर्शन आपशो। तो
तो ये नीम की पत्ती है, नीम की जो फूल है, फ्लावर्स जो है नीम के, गुजराती में इन्हें लिमड़ा नो मोर कहवाए। तो ये एनडीएस करने वाले को और एनडीएस नहीं करने वाले को केवी रीते लेव ने कया समय लेव, तो यहाँ देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि ये कड़वे नीम का जो फूल है, फ्लावर है, उसका जूस पीने की परंपरा क्यों आई है। तो कड़वे नीम की जो फ्लावर है, फूल है, उसका स्वाद अपने आपको सबको पता है, कड़वा होता है। और मैं हर रोज आपको यही बात बताता रहता हूँ कि जो स्वाद कड़वा होता है वो वायरस को मारने का काम करता है। तो ये परंपरा इसीलिए थी कि ये गर्मी के मौसम में आपके शरीर में ताव के या दूसरे वायरस, डेंगू चिकनगुनिया जैसे वायरस आपके शरीर में ज्यादा बढ़ न जाए, प्रकोप बढ़ाए नहीं और शरीर में बीमारी, वायरस जन्य बीमारी आए नहीं, इसके लिए उसको खत्म करना जरूरी है। तो ये चैत्र नवरात्रि जैसी चालू होती है तो उस टाइम आपको उपवास भी करना है, साथ में आपके शरीर में जो वायरस है उसको खत्म भी करना है। तो चैत्र नवरात्रि के अंदर लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। चैत्र नवरात्रि कोई लोग नींबू पानी पे करते हैं, कोई निर्जला करते हैं, कोई खाली फल खा के करते हैं, कोई एक टाइम खाना खा के करते हैं, एक टाइम छोड़ देते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है ये चैत्री नवरात्रि करने की। अच्छा, नवरात्रि के टाइम में आपको ये कड़वे नीम के जो फ्लावर्स है, जो फूल है, उसका जूस भी निकाल के पीना है। तो आपको थोड़े उसके फूल ले आने हैं, उसको पानी में भिगो के रखने हैं पूरी रात, और दूसरे दिन सुबह में आपको पानी, जो पानी में डाला था वही पानी के साथ उसको मिक्सी में क्रश कर लेना है और बड़ी छन्नी में छान के उसका जूस पी लेना है। तो ये एनडीएस करने वाले को, जो लोग एनडीएस करते हैं उनको तो शायद ये ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कई लोग एनडीएस करने वाले पीते हैं। तो इससे कोई खराबी नहीं है, एनडीएस करने वाले भी पी सकते हैं, बिना एनडीएस वाले भी उसको पिएंगे तो उनको तो जरूरी ही है, एनडीएस नहीं करते हैं उन लोगों को तो पीना ही चाहिए। और अभी देखिए, अभी कोरोना का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गवर्नमेंट के जो आंक आ रहे हैं उसके हिसाब से जो न्यूज़पेपर मीडिया लोग जो बता रहे हैं वो 5 गुना ज्यादा आ रहा है। तो ये अभी टाइम इतना खराब चल रहा है कि उससे बचने के लिए आपको एक कड़वी चीजें पीनी आवश्यक है। तो ये टाइम पे तो कड़वी चीजें खाने की भी जरूरत होती है, इसीलिए करेला भी आपको हफ्ते में 2 बार खाना चाहिए। क्यों? कड़वी चीज खाओगे तो शरीर में वायरस बढ़ेगे नहीं, ठीक है। तो एनडीएस करने वाले सुबह में ले सकते हैं इससे, क्योंकि एनडीएस वाले को ऐसा है कि सुबह में कुछ नहीं लेना है, लेकिन आपको कड़वा रस पीना है तो इसके लिए कोई मना नहीं है। आपको भोजन नहीं करना है सिर्फ सुबह में, और जो लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों को तो सुबह में उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। वो सुबह में उठ के नीम के, कड़वे नीम के फूलों का रस पी सकते हैं। आप फूलों का रस भी पी सकते हो, पत्तियों का रस भी पी सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों साथ में भी आप पी सकते हो। अल्टीमेट उसका मेन उद्देश्य ही है हमारे शरीर में वायरस न बढ़े, वही है, इसके अलावा दूसरा कोई उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आपको एनडीएस वाले करे या न करे, क्योंकि एनडीएस वाले 24 में से 8 घंटा ही खाते हैं, कम खाते हैं, आधा कच्चा खाते हैं, आधा ही पकाया खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, इसीलिए एनडीएस करने वाले को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ, रात का खाने में कई बार ज्यादा खा लेते हैं और शरीर को सफाई करने के लिए 15 दिन में एक आध उपवास नहीं करते हैं और ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है तो कभी कभी एनडीएस वाले को वायरस लोड बढ़ता है, तो उस टाइम उसको एक आध दिन उपवास करने की जरूरत पड़ती है, बाकी कड़वे रस पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जिन्होंने पाप किया हो उनको कड़वे रस पीने की जरूरत पड़े। आप गंदी चीजें खाओ, कचरा खाओ, कचरपट्टी डालो शरीर में,
और शरीर में गंदगी बढ़े, वायरस बढ़े, तभी आपको कड़वी रस पीने की नौबत आए, ये तो दंड है, सजा है। सजा कब भुगतनी पड़ती है? जब आप कोई गुनाह करते हो। दूसरे ये दुनिया में रहने वाले दूसरे कोई शाकाहारी प्राणी ये कड़वे नीम के पत्ती नहीं खाते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो कच्चा खाते हैं, पकाया खाते नहीं, सड़ा हुआ नहीं खाते हैं, टाइम देख के नहीं खाते हैं। मनुष्य टाइम देख के खाता है, रोड पे जहाँ कुछ खाना मिल गया वो खा लेता है, दबा के खा लेता है, चबा के खाने की आदत नहीं है। तो ये सारी गलतियाँ के कारण शरीर में कचरा इकट्ठा होता है, इससे बचने के लिए ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो योगा के बारे में भी मैं कई बार बोलता हूँ कि भी कड़कड़ती ठंडी में सुबह सुबह में बाहर गार्डन गार्डन में जाओ और वहां जाके आपको योगा करना पड़े। क्यों करना पड़े? क्योंकि आप खाने में ध्यान नहीं रखते हो, नहीं तो आराम से सो, ठंडी में क्यों बाहर निकलने की जरूरत पड़े। ये तो गलती करते हैं, उसको सुधारने के लिए सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, योगा करो अच्छा ही है, योगा करना बंद मत कर लेना, क्योंकि योगा में दूसरी काफी चीजें हैं जो शरीर के मन के लिए, तन मन दोनों के लिए। इसलिए हमारा जो शरीर है पंच कोश का होता है, पंच कोशीय, अन्न प्राण मन विज्ञान और कारण शरीर। तो ये पंच कोशीय शरीर जो है उसको ठीक रखने के लिए योग शास्त्रों ने बहुत अच्छी बातें बताई है। सिर्फ आसन के ऊपर या दूसरी एक्टिविटी के ऊपर नहीं, काफी चीजें योग के अंदर सीखने की होती है। तो आप ये कड़वे नीम का रस पिए, कोई बात नहीं, अभी कोरोना चालू है तो एनडीएस वाले को भी पी लेना चाहिए, भले उनके शरीर में दिक्कत हो या ना हो, और जो एनडीएस नहीं कर रहे उन लोगों को तो खास पी लेना चाहिए। ये मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ। आप ये कड़वे रस नहीं पी सकते हो तो आपको कड़वे पत्ती, पपीता के पत्तियों का कैप्सूल भी आता है, उसकी टेबलेट भी आती है। कैप्सूल एक्सट्रैक्ट होता है और ताकत वाला होता है, पत्तियों का पाउडर का टेबलेट भी है, तो आप वो भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो आप 2 दिन के लिए दो दो गोली टेबलेट, दो दो टेबलेट तीनों टाइम खा लो तो वायरस से आप बच सकते हो। तो ये कोरोना के टाइम में हफ्ते में 2 बार ऐसे दो दो गोली कम से कम कड़वे पत्तियों का, पपीते के पत्तियों की खानी चाहिए। दूसरा एक प्रश्न है, वो लिख रहे हैं, आदरणीय श्री राजेश भाई नमस्कार, मैं डीएस मालवीय शाजापुर का हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना है, कोरोना किसे होता है, छूने से या हाथ मिलने से? एनडीएस करते हैं तो क्या उसे भी होता है? तो कोरोना तो कैसे फैलता है वो पहले समझो कि आप जब छींकते हैं तो आपके नाक में से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे बूंद निकलते हैं, तो वो हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, अब आप आपके नाक से निकल गए और आपके नजदीक में 4-5-6 फीट के दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो श्वास ले रहा है, तो वो उनके श्वास में, श्वास के साथ वो उनके शरीर में घुस सकते हैं। तो आप श्वास निकालते हो इससे भी वायरस फैल सकता है, आप कफ निकालते हो तो इससे भी निकलता है, आप किसी को एक दूसरे को टच करते हो तो उसको भी वायरस हो सकता है, वायरस कहीं से भी घुस सकता है। तो अभी परिस्थिति मुझे ऐसी लग रही है कि दुनिया का जो डेवलप कंट्री है या शहरी विस्तार है, तो शहरी विस्तार में ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही बाकी होगा जिसको कोरोना ने टच न किया हो। कोरोना तो शायद हर एक के शरीर तक पहुंच गया है, लेकिन वो कोरोना को हम शरीर से दूर रखने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, इनके हिसाब से शरीर में घुसा हुआ कोरोना शरीर में नुकसान न करे इसके पीछे कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। आपको कोरोना से बचना है, कोरोना से आप बच नहीं सकते क्योंकि वो कहीं से भी आने वाला है। आप मार्केट में जा रहे हो, आप चलनी नोट जो करेंसी है उसको पकड़ते हैं, कपड़े आप जहाँ जाते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ टच करते हो, सब्जी लेते हो, मार्केट में जाते हो, जो चीज जहाँ अगर टच नहीं करो, हवा भी आ रही है ना, तो हवा भी कोरोना को लेके आ रही है। तो कोरोना से तो कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन बचना कैसा है कि शरीर में कोरोना आ जाए तो वो कोरोना आपके शरीर में आने के बाद आपको नुकसान न करे,
उसके लिए आपको ध्यान रखना है बस। और ये जो जो ये लोग सीख जे लेंगे ना, कभी कोरोना भले शरीर में आ जाए, हमको शरीर में नुकसान न करे, उसको कैसे बचा जाए, यही बातें समझना है, सीखना है। तो इसके लिए आपको ये एनडीएस में हम बोलते हैं 24 में से 8 घंटा ही खाइए, बाकी 16 घंटा निर्जला उपवास कीजिए। ये शहरी लोगों के लिए है। दूसरा, योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए। तीसरा, आप जितना खोराक खा रहे हो इसमें आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, जिन लोगों को वायु और कफ प्रकृति होती है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट ना खाए। ज्यादा मीठी चीजें पर ना खाए, ज्यादा पकी हुई सड़ी हुई चीजें ना खाए, ज्यादा बासी हो गई चीजें, 2 दिन पहले जो अगले दिन जो सब्जी बनाई है और दूसरे दिन लोग खा लेते हैं, तो पकाई हुई चीजें ताजी खाइए, फ्रेश खाइए। दोपहर को बनाई हुई पकाई सब्जी शाम को भी मत खाइए। तो ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, जैसे आपको ऐसा लगे कि शरीर में सिम्टम्स में गड़बड़ी दिख रही है, गला स्विच पकड़ा हुआ लगता है, बुखार का अनुभव हो रहा है सिंपल सा, तो आपको तुरंत खाना बंद कर लेना है। रेगुलर एनिमा लेते रहिए, आपके शरीर में कचरा इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए खट्टे फल खाते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो। आपके फेफड़े मजबूत रखने के लिए, आपका पेट डाइजेस्टिंग सिस्टम मजबूत रखने के लिए कपालभाति का प्रयोग किया करो, बहुत ताकत वाली है। जो कपालभाति कंटिन्यूअस 10 मिनट कर सकता है ना, 10 मिनट कंटिन्यूअस बिना रुके, उनको कोरोना टच नहीं कर सकता। और आ भी गया तो इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप कपालभाति का आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जितना खाओ इतनी मेहनत करो, या तो जितनी मेहनत करो इतना ही खाओ। काम कम कर रहे हो और ज्यादा खाओगे तो भी फंसोगे। हाँ, हमको ऐसे अनुभव हो जाते हैं कई बार। मैं हफ्ते में हर रोज थोड़ा जॉगिंग कर लेता हूँ 15-20 मिनट का कपालभाति के साथ। कई बार हफ्ते में मैं छोड़ देता हूँ, और उस टाइम खाने का चालू रहता है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा गला पकड़ा हुआ है, तो दूसरे दिन मुझे एक या दो टाइम खाना छोड़ देना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स जैसे आ जाते हैं आपको, वैसे तुरंत उसको एक्शन में ले लो, तो आप फंसोगे नहीं। हाँ, 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी सिम्टम्स आई थी, तो मैंने रात का खाना छोड़ दिया और दूसरे दिन गर्म पानी का प्रयोग कर लिया। तो ये आपको खुद को पता चल जाना चाहिए कि भाई अब मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तुरंत खाना पीना बंद कर लो, 24 घंटा निर्जला कर लो। निर्जला से उत्तम हथियार कोई नहीं है। निर्जला नहीं कर सके वो पानी का प्रयोग करे गर्म पानी का, और गर्म पानी का भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं वो कड़वे रस का प्रयोग करे। हाँ, और समय पे जो भूख लगती है ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा जोखम है। कोरोना इन्हीं लोगों को ज्यादा लगेगा जिन लोगों को टाइम पे भूख लग जाती है और भूखे रह नहीं पाते हैं, और भूख लगती है तब वो पकाया हुआ खा लेते हैं, पकाया ही खा लेते हैं। पकवान जो पकता है वही पकवान है, और पकवान तीनों टाइम खाओगे तो कोरोना पकड़ेगा। ठीक है, तो कोरोना से बचना बहुत जरूरी है। कोरोना आपको आप तक तो आने वाला ही है, किसी भी हाल पे आने वाला है। अच्छा, वो फैलता है कैसा देखो, एक व्यक्ति को कोरोना है तो वो 5 दिन के अंदर 3-4 व्यक्तियों तक उसका संक्रमण पहुंच जाता है, और ये 5 दिन के बाद ये 3-4 व्यक्ति लोगों को जो पहुंचा है वो 1 महीने के अंदर 400-500 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो कोरोना जो है वो फैलने के लिए उसको कोई दूसरी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप फैलता रहेगा, किसी भी हाल पे फैलता रहेगा। लेकिन आपको कोरोना आप तक पहुंचेगा, लेकिन आपको कोरोना नुकसान न करे, उसके लिए आपको खान पीन में ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यही बातें आपको समझनी है। बाकी आप कितना हाथ
धोते रहो, मास्क पहनते रहो, हाँ, लेकिन जो खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे, शरीर की सफाई नहीं करोगे, हफ्ते 15 दिन में निर्जला नहीं करोगे, हाँ, चबा के खाओगे नहीं, तो ये सारी समझ, ज्यादा पकाया खाओगे, हाँ, गला पकड़ा है और डेयरी प्रोडक्ट खाते रहोगे तो और फंसोगे। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है डायबिटीज वालों के लिए पेंक्रियाज एक्टिवेटर। तो ये हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो लोग कच्चा खा के डायबिटीज मिटा नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए अपनी पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए डायबिटीज की शुगर की गोली खाने की जरूरत कम पड़े, इसके लिए हमने बीटर नीम यानी कि कड़वे नीम की पत्तियों में से एक्सट्रैक्ट निकाल के एक ऐसी औषधि तैयार की है जो उसकी कैप्सूल 2 बार खाते हो तो खाने से पहले 1-1 घंटा वो कैप्सूल ले लेनी है। इससे क्या होगा कि अभी मान लो आज से आपको जितनी शुगर की गोली लेनी पड़ती है वो 1 महीने का ये प्रयोग करोगे तो महीने के बाद आपको अभी जितनी शुगर की गोली लेनी पड़ती है उसमें कमी आएगी, 2 महीने के बाद इसमें और कमी आएगी, तो 1 से लेकर 3 महीने का आप ये प्रयोग करोगे तो शायद आपकी गोली छूट सकती है, शुगर की गोली छूट सकती है। तो इतना फायदा ये कर सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। तो जो लोग एनडीएस करके शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, यहाँ ध्यान रखना है ये शुगर कम करने की गोली नहीं है, आपको तो जो ब्लड शुगर है उसके हिसाब से जितनी गोली की जरूरत है वो लेते रहना है, ये बंद नहीं करनी है आपको, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको कम करनी है चेक करते करते, लेकिन आपके पेंक्रियाज को एक्टिवेट करके करने में फायदा करेगी। तो ये ऐसी आपको मार्केट में दूसरी दवाई नहीं मिलेगी। कोरोना का कहर कम होगा तो शायद 18 तारीख को गांधीनगर में और 25 तारीख को अहमदाबाद में हमारी शिविर लगेगी, वो फ्री होगी, आपको लोकेशन एड्रेस चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हो। जो लोग सेमिनार नहीं अटेंड कर सकते हो, हमारे सेंटर पे 4 से 6 के 2 घंटे का जो टाइम है उसमें फ्री मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं। एनडीएस की पूरी किट है हमने बनाई है, तो किट में सारी काम की चीजें ही हमने रखी है जो शरीर की उपयोगी है, तो आप मंगवा सकते हो। योगाहार का ई बुक भी अवेलेबल है और पुस्तक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। रेसिपी के लिए आपको दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगा नाम की, तो वहां भी आप जाके अच्छी अच्छी चीजें देखिए, और ये सोशल मैसेज कहीं भी आप कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहेगी, कल तक नमस्कार।